अजय देवगन ने कैसी वाहवाही लूटी, करीम लाला के अलावा और कितनी बार डॉन बने हैं अजय देवगन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं वर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। आने वाले शुक्रवार को रिलीज होने जा रही फैन स्टूडियोज की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी में अभिनेता अजय देवगन की डील डॉन और चेहरे मोहरे ने शनिवार को सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही लूटी। मूवी में अजय देवगन के किरदार करीम लाला को लेकर जारी एक शो रील में उनके किरदार को कहानी की नायिका गंगूबाई की मदद के लिए आगे आते दिखाया गया, और ये भी दिखाया गया कि कैसे वो कमाठी पूरा पहुँच कर उसके विरोधियों की पिटाई करता है। करीम लाला बाद में उसे अपना हिस्सेदार बनाते हुए माफिया क्वीन का तमगा भी देता है। इस किरदार के साथ ही अजय देवगन ने बड़े पर्दे पर मुंबई के तीनों कुख्यात माफिया डॉन को निभाने का चक्र भी पूरा कर लिया। गंगूबाई काठियावाड़ी में अजय देवगन के किरदार का नाम करीम लाला है। मूवी से जुड़े सूत्र स्वीकार करते हैं कि ये किरदार मुंबई अंडरवर्ल्ड में दहशत का नाम कहरे करीम लाला पर आधारित है। करीम लाला का पूरा नाम था अब्दुल करीम शेर खान था, और उसने मुंबई में अफगान पठानों का एक गुट बनाकर मालदार लोगों के बीच होने वाले आर्थिक विवादों के निपटाने के ठेके लेने शुरू किए थे। करीम लाल के उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने का भी एक चित्र कई बार चर्चा में रहा है। ये उस वक्त की फोटो है जब वो पद्म पुरस्कार पाने वाले हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के साथ दिल्ली में था। दिलचस्प ये भी है कि इमरजेंसी के दौरान जब हाजी मस्तान जैसे तमाम अंडरवर्ल्ड डॉन जेल में डाल दिए गए थे, करीम लाला पर किसी ने हाथ तक नहीं डाला। हाजी मस्तान भी मुंबई अंडरवर्ल्ड का कुख्यात नाम रहा है। कहते हैं कि निर्देशक यश चोपड़ा की मूवी दीवार उसी किरदार पर आधारित थी, और अमिताभ बच्चन ने जो किरदार किया वो हाजी मस्तान से ही प्रेरित था। हाजी मस्तान के किरदार पर आधारित एक किरदार अजय देवगन ने मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी किया। मूवी में इस किरदार का नाम सुल्तान मिर्जा है। साल 2010 में रिलीज हुई ये मूवी रजत अरोरा ने लिखी। इस मूवी की गिनती अंडरवर्ल्ड पर बनी दमदार हिंदी फिल्मों में होती है। मूवी की निर्माता एकता कपूर थी, और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी कमाई की। इस मूवी में इमरान हाशमी का किरदार दाऊद इब्राहिम से प्रेरित किया जाता है। दाऊद इब्राहिम से प्रेरित एक किरदार अजय देवगन ने मूवी कंपनी में किया। मूवी में इस किरदार का नाम मलिक है, और जयदीप सहानी की लिखी इस मूवी को निर्देशित किया है राम गोपाल वर्मा ने। 2002 में रिलीज हुई इस मूवी में विवेक ओब्रॉय ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। मूवी में उनका किरदार चंदू नाग रियासल अंडरवर्ल्ड के चर्चित किरदार छोटा राजन से प्रेरित बताया जाता है। इस मूवी की कहानी राम गोपाल वर्मा को दाऊद के करीबी हनीफ से मिली जानकारी पर आधारित है। मूवी निर्माण से करीब से जुड़े रहे सूत्र बताते हैं कि राम गोपाल वर्मा दरअसल अजय देवगन से मिलने किसी और कहानी को लेकर गए थे, लेकिन अजय के सिगरेट पीने के स्टाइल को देख उन्होंने इसे चूज किया। वेल दर्शकों, आप सभी इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू।